हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे स्टॉक एनालिसिस। तो इस सीरीज़ में हम एनालाइज कर रहे हैं स्टॉक्स बाय देयर मार्केट कैप। तो हमने लगभग रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, इंफोसिस, ICICI बैंक, उसके बाद में हिंदुस्तान यूनिलीवर, SBI, HDFC और लास्ट एनालिसिस किया था बजाज फाइनेंस का। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे भारती एयरटेल। तो ये रहेगा हमारा 10th नंबर का स्टॉक भारती एयरटेल। तो इसका जो मार्केट कैप है वो है लगभग 4 लाख करोड़ के अराउंड। तो इसका नंबर आता है लगभग मार्केट कैप के हिसाब से ये 10th नंबर पे आता है। तो चलो देखते हैं इसका चार्ट एनालिसिस और देखते हैं इसमें क्या ट्रेड बन सकते हैं और क्या इन्वेस्टमेंट पोजीशन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं मंथली चार्ट से। तो आज लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन है, आज का ट्रेडिंग सेशन था, आज तारीख है 15 फेब 2022 पे ये स्टॉक बंद हुआ है 711 पे, लगभग 22 रुपये ऊपर, लगभग 3% गेन के साथ। और यहाँ मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो कि मंथली चार्ट पे स्टॉक जो है तो दिखा रहा है लगभग 2.5% के लॉसेस फॉर द मंथ, और हम ट्रेड कर रहे हैं लगभग 18 रुपये नीचे फॉर द मंथ। और यहाँ जो है तो आप देख सकते हो कि एक साइडवेज कैंडल बन रही है। तो यहाँ लॉन्ग टर्म में एक कंसोलिडेशन चालू है, हमने एक अच्छी खासी अप मूव देखी थी, वहाँ से फिर से कंसोलिडेशन आया, फिर से एक बड़ी मूव अप, और अभी जो है तो फिर से ये कंसोलिडेशन में जा चुका है। तो यहाँ जो है तो अच्छा हायर टॉप और बॉटम का साइकिल चालू है। तो मुझे लगता है कि एक बार कंसोलिडेशन खत्म होने के बाद हम जो है तो फिर से यहाँ ऊपर के लेवल देख सकते हैं आने वाले दिनों में। और यहाँ जो है तो जो कोरोना काल में क्रैश आया था तो वहाँ से हमने अच्छे खासे गेन देखे, लगभग 400 रुपये के लो से लेकर हम लगभग 800 रुपये का हाई देखा है। तो लगभग 2x हो चुका है ऑलरेडी स्टॉक, और अभी वहाँ जो है तो अराउंड हाई ही ट्रेड कर रहा है। तो इसमें थोड़ा सा नीचे के लेवल पे हम वेट करेंगे। जिन्हें नया इन्वेस्टमेंट करना है तो उनके लिए सलाह होगी कि 650 और उसके नीचे जो है तो आपको एक्युमुलेशन करना है, और जिनको वैल्यू बाय करना है तो उनके लिए सलाह होगी कि आप जो है तो 500 रुपये से लेकर लगभग 380 रुपये के जोन का वेट कीजिए। अगर उस जोन में आता है कभी शेयर प्राइस तो ही इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है तो उस लेवल से आपको लगभग 2x to 3x गेन देखने को मिलेंगे नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में। तो ये रहे लेवल, अगर आपको वैल्यू बाय करना है तो आपको वेट करना है 380 से लेकर 500 रुपये की रेंज में, और उस रेंज में आपको एक्युमुलेट करना है स्टॉक में। अगर आपको फ्रेश ऐड करना है, अगर स्टॉक ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में, तो आपको 600 रुपये या फिर उसके अराउंड जो है तो इस स्टॉक में एंटर करना अच्छा लो रिस्क रहेगा। मतलब उसमें जो है तो रिस्क कम रहेगी आपकी, और आपको जो है तो रिवॉर्ड अच्छा मिल सकता है, लगभग 2x रिवॉर्ड मिल सकता है। और इसका लॉन्ग टर्म जो टारगेट रहेगा हमारा वो रहेगा लगभग 950 रुपये का। तो अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे स्टॉक जो है तो लगभग दिखा रहा है इस वीक के लिए लगभग 4 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है, और नीचे के लेवल से हम अच्छा खासा रिकवर हो चुके हैं। मगर यहाँ जो है तो हम डाउन ट्रेंड में, हमने एक बार ब्रेकडाउन दिया था, हमने लगभग 650 के लेवल देखे थे, और आप देख सकते हैं कि 650 के अराउंड इसका बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, वहाँ से जो है तो स्टॉक अच्छी खासी रैली देता है। तो आपको 600 और 650 का लेवल अगर कभी मिलता है लॉन्गर टर्म में तो आपको उसमें ऐड करना चाहिए, और वैल्यू बाय के लिए आपका जो लेवल रहेगा वो रहेगा 550 से लेकर 480 के बीच में। तो यहाँ जो है तो अभी हम ब्रेकडाउन दिया था, वहाँ से बाउंस बैक किया, और फिर से जो है तो बाउंस बैक यहाँ रिजेक्ट हो चुका था, फिर से जो है तो स्टॉक जो है तो नीचे आया। तो मगर यहाँ फिर से कोशिश कर रहा है कि इसको अपसाइड ब्रेक करने के लिए, और यहाँ अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है 760 का तो हम जो है तो इस स्टॉक में 825 से लेकर लगभग 950 के लेवल मीडियम टर्म में देख सकते हैं। तो यहाँ आपको बाय ऑन डिप सीओ रखना है, आपके लिए अच्छी एंट्री लेवल रहेगी 600 से 650 के बीच में। अगर एक डीपर करेक्शन आता है तो आपको और ज़्यादा बड़ी पोजीशन बनानी है, वो बनानी है आपको 480 से लेकर 380 के बीच में, तो वही 380 से लेकर 500 रुपये के बीच में आपको जो है तो वैल्यू बाय बनेगा। और मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है ये एक लॉन्गर टर्म बुल मार्केट में एंटर कर चुका है, तो यहाँ जो है तो हर एक डिप्स बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी,
और मुझे लगता है कि भारतीय रिटेल हमें लॉन्गर टर्म में लगभग 1000 रुपीज़ से लेकर 1500 रुपये के लेवल दिखा सकता है, और जिस तरह से ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है वीक मार्केट में भी, तो यहाँ अच्छा खासा बाइंग का सपोर्ट मिल रहा है स्ट्रॉन्ग हैंड से। इसीलिए जो है तो आप देख रहे हो कि अगर मार्केट में फॉल भी आता है तो ये स्टॉक उतना नहीं गिरता है, तो इसका मतलब है कोई बड़े हैंड्स जो है तो इसको अच्छे खासे उसमें एक्युमुलेशन कर रहे हैं, और हर एक डिप पे जो है तो वो स्टॉक को बाय कर रहे हैं। तो अगर जब ये सब सप्लाई ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में ये जो स्टॉक है इसमें हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल जाएगी। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने इस महीने के लिए अच्छी खासी शुरुआत की थी, मगर जैसे ही मार्केट वीक हुआ तो इसमें भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। और यह जो है तो हमने अभी सपोर्ट टेस्ट किया है और सपोर्ट टेस्ट करने के बाद अच्छा खासा रिवर्सल दिया है, तो यह जो है तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। इस स्टॉक में आपको जो है तो बाय ऑन डिप्स व्यू रखना चाहिए। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 680, आपका जो एंट्री जोन रहेगा वो 690 से लेकर 705 के बीच में, 690 to 705 के बीच में आपको इसमें एक्यूमुलेट करना है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 680 का, और इसके जो टारगेट बनते हैं शॉर्ट टर्म में वो बनेंगे 750, उसके बाद में 765 और लास्ट टारगेट रहेगा 800 का। तो एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ जो है तो ये सेलिंग रिजेक्ट हो चुकी है, तो यहाँ शॉर्ट कवरिंग रैली अभी ट्रिगर होगी और हो सकता है कि नेक्स्ट 2-3 दिनों में हमें 750 के लेवल इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ये रहा फ्यूचर का ट्रेड। स्टॉक आप कैश में भी सेम कर सकते हो, कैश में अगर आपको एंटर करना है तो आपको एक्यूमुलेट करना है इस स्टॉक में 690 to 705 के बीच में, इसमें एक्यूमुलेट करते रहना है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 680 का, और जो टारगेट बनता है आपका छोटा टारगेट बनेगा 750 का, बड़ा टारगेट बनेगा 800 रुपये का। जो ऑप्शन ट्रेडर है उनके लिए सलाह रहेगी कि आप जो 710 या फिर 720 का जो कॉल ऑप्शन होगा, या फिर जिन्हें ज़्यादा गेंस चाहिए और आप अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो 700 का जो कॉल ऑप्शन है उसमें जो है तो डिप्स पे बाय कीजिए, उसमें सेम स्टॉप लॉस रहेगा। अगर स्टॉक जो कैश में स्टॉक अगर 680 को हिट करता है तो आपको उस ऑप्शन में जो भी लॉस होगा वो लेकर निकल जाना पड़ेगा। अगर स्टॉक 750 पे जाता है तो मुझे लगता है कि उस टाइम उस ऑप्शन में आपको अच्छे खासे लगभग 2x to 3x गेन देखने को मिल सकते हैं। और एक्सपायरी पे अगर स्टॉक जो है तो 800 पे जाता है तो आपको फ्यूचर के जैसे गेंस देखने को मिल सकते हैं उस ऑप्शन में। सिर्फ प्रीमियम पे करके आपको फ्यूचर के जैसे गेंस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो इन द मनी ऑप्शन हो जाएगा। मगर यहाँ दिक्कत ये कि इन द मनी ऑप्शन का फिजिकल सेटलमेंट होता है, तो वो आपको उतना ध्यान रखना पड़ेगा। या फिर आपको चाहिए तो 750 का भी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में बहुत ज़्यादा राइटिंग होती है, तो उसमें आपको प्रीमियम में उतना ज़्यादा गेन देखने को नहीं मिलता है। तो मैं प्रीफर करूँगा एट द मनी या फिर इन द मनी कॉल ऑप्शन, या फिर नेक्स्ट मंथ का जो है तो 750 का कॉल ऑप्शन देख सकते हो मार्च सीरीज का, उसमें आपको अच्छे खासे गेन दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ शॉर्ट टर्म में हमने देखा कि यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, और यहाँ जो है तो शॉर्ट कवरिंग रैली ट्रिगर हो सकती है। वीकली चार्ट पे यहाँ बेरिश भी हुए, मगर यहाँ जो है तो शायद प्राइस जो है तो फिर से ट्राई कर सकती है 760 का जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ने की। अगर उसके ऊपर जाता है तो हमें 850 से लेकर 950 के लेवल जो है तो लॉन्गर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ जो है तो नीचे के लेवल पे अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी, बाइंग हैंड जो है तो सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए प्राइस जो है तो उतना फॉल नहीं दिखा रही है, तो ये एक अच्छी बात है। इसका मतलब जो है तो आगे चल के इसमें मीडियम टू लॉन्गर टर्म में मोमेंटम बन सकता है। और यहाँ जो है तो मेरी बाय ऑन डिप्स व्यू रहेगा। अगर आपको वैल्यू बाय करना है तो वैल्यू बाइंग की लेवल रहेगी 500 रुपये से लेकर 380 के बीच में। अगर उस लेवल पे कभी क्रैश में स्टॉक आता है, मुझे तो नहीं लगता कि वो आएगा, मगर आता है तो उस लेवल पे आपको बिल्कुल बड़ी पोजीशन बनानी चाहिए विद 3 to 5 years होराइजन, और आपको उसमें 2x to 3x गेन देखने को मिल सकते हैं लॉन्गर टर्म में। मंथली चार्ट पे भी हमने देखा कि यहाँ जो है तो साइडवेज हो रहा है स्टॉक, एक अच्छे अप मूव के बाद साइडवेज हो रहा है, तो यहाँ जो है तो फिर से एक्युमुलेशन की आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर नीचे के लेवल आते हैं तो आपको इसमें ऐड करते जाना है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को आने वाले दिनों में।
और एक अच्छा बेट है। अगर आपको एक सेफर बेट चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, तो मेरा सजेशन रहेगा कि भारतीय रिटेल के लिए बिल्कुल जाइए आप, मगर उसको जो है तो आपको सही लेवल पे एंटर करना है, और सही लेवल पे अगर आप बराबर से इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको उसके रिटर्न भी अच्छे दिखाई देंगे। तो आई होप सो कि हमने जो एनालिसिस किया ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, फॉर ट्रेडिंग ऑल्सो, फॉर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं और मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।